लड़की तेजी से कदम उठाती हुई अस्तबल की तरफ बढ़ी, बाकी सब लोग भी उस तरफ चल दिए। लड़की तमाम घोड़ों पर एक सरसरी निगाह डालने के बाद सफेद घोड़े की तरफ बढ़ी। घोड़े ने उसे देखते ही चारा छोड़कर कान खड़े कर लिए। लड़की ने घोड़े को थपकी दी और वो पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। उसे देखकर दूसरे घोड़े रस्सा तोड़ाने लगे। अबुल हसन ने कहा, ठहरो, और आगे बढ़कर घोड़े का रस्सा खोलकर बाहर ले आया और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर कहने लगा, अब आप हिम्मत आजमाई कर सकती हैं। लड़की ने अचानक आगे बढ़कर एक हाथ से घोड़े का निचला जबड़ा पकड़ लिया और दूसरे हाथ से जख्मी दरिंदे की तरह तड़पते उछलते और कूदते जानवर के मुंह में लगाम ठोंस दी। तमाशाइयों ने हैरानी पर काबू ना पाया था कि उसने रस्सा खोला और घोड़े की पीठ पर सवार हो गई। घोड़ा चंद बार सीख पहुंचने के बाद छलांगे लगाते वो मकान से बाहर निकल गया। शेख अब्दुल शम्स ने फकरी अंदाज में कहा, अरब की घोड़ियों ने ऐसा घोड़ा पैदा नहीं किया जिस पर सलमा सवारी ना कर सकें। मुझे अफसोस है कि आप शर्त हार गई, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, आपको इसकी पूरी कीमत अदा की जाएगी। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये शर्त ना थी, इनाम था, और इनाम की कीमत अदा नहीं की जाती। खुशकिस्मत है वह घोड़ा जिसे ऐसा सवार मिल जाए। राजा देखने से पहले ही तमाम घोड़ों को खरीदने का फैसला कर चुका था। शेख खजाने से जो कीमत अदा की गई वो अरबों की तवक्को से कहीं ज्यादा थी। राजा ने अबुल हसन से अरबों के नए दीन और उनकी फतवाहत के मुतल्लिक कई सवालात किए। दिलीप सिंह ने तर्जमानी के फर्ज अंजाम दिए। अबुल हसन ने तमाम सवालात का जवाब देने के बाद दीन इस्लाम के हर पहलू पर रोशनी डाली। राजा ने इस्लाम की बहुत सी खूबियों का एतराफ़ करने के बाद अबुल हसन से दोबारा मुलाकात का वादा लेकर उसे रुखसत किया। जब अबुल हसन अपने मेज़बान के घर वापस पहुँचा तो उसे मालूम हुआ कि सलमा अभी तक वापस नहीं आई और अब्दुल शम्स चंद आदमी का हमरा उसकी तलाश में जा चुका है। अबुल हसन नमाज जोर अदा करने के बाद परेशानी खत्म मकान के सिर में टहल रहा था कि सफेद घोड़ा बेतहाशा भागते हुआ अंदर आया। घोड़े की लगाम भी गायब थी। अबुल हसन ने अपने साथी की तरफ देखकर कहा, खुदा मालूम उसे क्या हुआ, यह घोड़ा सरकश जरूर है लेकिन गिरी हुई सवार को छोड़कर आने वाला नहीं और लगाम पांव के नीचे आकर टूट सकती थी लेकिन इसका गिर पड़ना मुमकिन ना था। मैं जाता हूं। अबुल हसन ने शेख अब्दुल शम्स के खादम से दूसरी लगाम मंगवाकर घोड़े को दी और नंगी पीठ पर सवार होकर मकान से बाहर निकला और घोड़े को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। घोड़े की रफ्तार जाहिर करती थी कि इसे बहुत ज्यादा काम लिया जा चुका है। घोड़ा चंद कोस घने जंगल में से गुजरने के बाद एक टीले पर चढ़ा और एक अभिषर्ग करीब पहुंच कर रुक गया। इससे ऊपर जाने का कोई रास्ता ना था। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद अबुल हसन घोड़े से उतरा और उसे एक दरख्त के साथ बांधकर सलमा को आवाज देने लगा। देर तक तलाश करने के बाद वो थककर अभिषर के करीब एक पत्थर के किनारे बैठ गया। शाम होने को थी। अबुल हसन ने असर की नमाज अदा की और फिर एक दुश्वार गुजार रास्ते से उस मकाम तक पहुंचा जहां से पहाड़ी नदी का पानी एक अभिषर की शक्ल में नीचे गिरता था। सलमा चंद कदम के फासले पर नदी के किनारे एक दरख्त के नीचे लेटी हुई थी। अबुल हसन की नजर उस पर उस वक्त पड़ी जब एक 3 गज लंबा और आदमी की रान के बराबर मोटा दहा घास में से सरकता हुआ उसके करीब पहुंच रहा था। अबुल हसन सलमा सलमा कहता हुआ भागा और उसका बाजू पकड़कर घसीटता हुआ चंद कदम दूर ले गया। सलमा ने हल्की सी चीख के साथ आंखें खोली, अजदहा शिकार को जाता हुआ देखकर फुनकारता हुआ लपका। इतनी देर में अबुल हसन नियाम से तलवार निकाल चुका था। अजदहा ने उसके बिल्कुल करीब पहुंचकर गर्दन बुलंद की। अबुल हसन एक तरफ कूद कर वार किया। अजदहा का सर कट कर अलहदा हो गया। अबुल हसन ने नदी के पानी से तलवार साफ करते हुए कहा, तुम बहुत बेवकूफ हो, सोने की ये कौन सी जगह थी। सलमा अभी तक दहशतज़दा होकर कांप रही थी। वो बोली, मैं थक कर यहां बैठ गई थी और उंगते हुए न जाने किस वक्त लेट कर सो गई। मैं यहां कई बार आ चुकी हूं लेकिन ऐसा इजहा कभी नहीं देखा। आप पहुंच गए वरना यह इजहा इस तरह तड़पने के बजाय मुझे निगल रहा होता। आप यहां कैसे पहुंचे। तुम जानती हो मैं यहां कैसे पहुंचा। पहले तुम बताओ तुमने यहां पहुंचकर घोड़ा क्यों छोड़ दिया। सलमा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने कब छोड़ा, वो मुझे गिराकर भाग गया था। अबुल हसन ने जरा सख्त लहजे में कहा, मालूम होता है कि तुम्हारी तरबियत बहुत नाकस माहौल में हुई है, इसलिए तुम्हारी अखलाक का मायार वही होना चाहिए जो जमाना जहलत के अरबों का था। लेकिन वो भी हजार बुराइयों के बावजूद मेहमान से झूठ बोलना एक घिनौना फेल ख्याल करते थे और उस घोड़े को खाली वापस आता देकर मुझे ये यकीन ना आता था कि ये तुम्हें गिराकर भाग आया है। इसकी तरबियत मेरे इस्तबल में हुई है। ये सरकश और मगरूर जरूर है
लेकिन धोखा देना नहीं जानता। सच बताओ, तुमने अपने हाथों से इसकी लगाम नहीं उतारी और उसे डरा धमका कर वापस नहीं भेजा? सलमा ने आंखें झुकाते हुए जवाब दिया, अगर आप बुरा मानते हैं तो मैं वादा करती हूं कि आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तुम में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन्हें मैं बुरा समझता हूं, जिन्हें हर मुसलमान बुरा जानेगा। आप चाहें तो मैं हर अदाब बदलने के लिए तैयार हूं। आपकी खुशनूदी मेरा फर्ज है और आपने तो आज मेरी जान बचाई है। तुम्हें मुझे खुश करने की जरूरत नहीं, मैं चाहता हूं तुम्हारा खुदा तुमसे खुश हो। तुम्हें सिर्फ वो चीज़ पसंद करनी चाहिए जो उसे पसंद हो, और हर उस चीज़ को नापसंद करना चाहिए जो उसे नापसंद हो। खुदा को औरतों को नीम और या लिबास में मर्दों के सामने जाना पसंद नहीं। सलमा ने जवाब दिया, लिबास तो मैंने आपके कहने से तब्दील कर लिया है। अबुल हसन ने कहा, लिबास से ज़्यादा दिल की तब्दीली की जरूरत है। खैर अब बातों का वक्त नहीं, शाम हो रही है, तुम्हारे वालिद बहुत परेशान होंगे। वो घोड़े के पहुँचने से पहले ही तुम्हारी तलाश में निकल गए थे। चांदनी रात में अबुल हसन और सलमा जंगल को अबूर कर रहे थे। सलमा घोड़े पर सवार थी और अबुल हसन बाग थामे आगे आगे चल रहा था। रास्ते में सलमा ने अबुल हसन के बैरी सफर, उसके खानदान और उसके साथियों के मुतलिक सवालात किए, लेकिन उसकी तवक्को के खिलाफ अबुल हसन की बेतनाई बढ़ती गई। सलमा परेशान भी थी और नादम भी। बिलाकर उसने कहा, आपको मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ। आप मुझे सजा दे लें लेकिन खुफा ना हों, ये मेरा कसूर था और मुझे पैदल चलना चाहिए था। मैं उतर आती हूँ, आप घोड़े पर सवार हो जाएं। इस दफा भी उसकी तवक्को के खिलाफ अबुल हसन ने बेपरवाही से जवाब दिया, अगर मुझे इस बात का खदशा ना होता कि तुम एक औरत हो और कोई दरिंदा तुम्हें खा जाएगा, तो मैं यकीनन इस वक्त तुम्हारे साथ चलना गवारा ना करता। सलमा शिकस्त खोरदा सी होकर देर तक खामोश रही, फिर वो बोली, अगर वो इजहा मुझे निकल जाता तो आपको इस बात का अफसोस होता? ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे सामने अगर वो किसी को भी हलाक करता तो मुझे इसी कदर अफसोस होता। आपने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? एक इंसान की जान बचाना मुसलमान का फ़र्ज है। सलमा देर तक खामोश रही। दूर से चंद घोड़ों की टाप सुनाई दी और अबुल हसन ने कहा, देखो वो अभी तक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अब्दुल शम्स और उसके साथी पहुँच गई। बेटी को सलामत देकर अब्दुल शम्स ने वाकयात की तफसील में जाने की जरूरत महसूस ना की। सलमा की जुबानी इजहा के मुतालिक सुनकर उसने अबुल हसन का शुक्रिया अदा किया। अगले रोज सुबह सवेरे अब्दुल शम्स अपने मकान की छत पर नीम ख्वाबी की हालत में लेटे लेटे अजान की दिलकश आवाज़ सुन रहा था। कुछ देर अंगड़ाइयाँ लेने के बाद उसने आंखें खोली। सलमा अभी तक गहरी नींद सो रही थी। अब्दुल शम्स उसे जगाकर सुबह की हवा खोरे के इरादे से नीचे उतर आया। अबुल हसन के साथ शबनम आलूद घास पर चादरें बिछाकर उसके पीछे साफ बस्ता खड़े थे। अबुल हसन ने नहायत दिलकश आवाज में सूरत फातह के बाद चंद आयत तलावत की। कुरान मजीद के अल्फाज ने अब्दुल शम्स के दिल में तलातुम पा कर दिया। उसके पड़ोसी अरब भी उसके करीब आ खड़े हुए और अपनी कौम के नौजवानों के नई तरीके बात को दिलचस्पी से देखने लगे। रकू व सजूद के बाद दूसरी रकत तक अब्दुल शम्स पर एक बेखुदी सितारी हो चुकी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता नमाजों की तरफ कदम उठाए, करीब पहुँच कर झिझका, रुका और जज्बात की जान की किस रोह के मातहत भागता हुआ सफ में खड़ा हो गया। उसके साथियों ने उसकी तकलीद की। नमाज खत्म करने के बाद अबुल हसन ने उठकर अब्दुल शम्स को गले लगा लिया। अब्दुल शम्स की आंखों में मुसरत की आंखों छुलक रहे थे। अबुल हसन और उसके साथियों ने उन्हें मुबारकबाद दी। अब्दुल शम्स ने कहा, आपकी जबान में एक जादू था, मुझे कुछ और सुनाइए। अबुल हसन ने जवाब दिया, ये मेरी आवाज ना थी, ये खुदा का कलाम था। अब्दुल शम्स ने कहा, बेशक ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, सुनाइए मुझे। अबुल हसन ने अपने एक साथी तलहा की तरफ इशारा किया। तलहा कुरान मजीद का हाफिज था। अरब उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तलहा ने सूरत यासीन की तलावत की। कुरान मजीद के मुकद्दस अल्फाज और तलहा की दिलगदाज आवाज से अब्दुल शम्स और उसके साथियों पर रकत तारी हो गई। तलावत के बाद अबुल हसन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और इस्लाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए उन इस्लाम की दावत दी। अब्दुल शम्स और उसके साथी जो एक मुद्दा से अरबों की अजमत की दास्तानें सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत का एतराफ़ कर चुके थे, अबुल हसन की तबलीग के बाद दीन इस्लाम की सदाकत पर ईमान ले आए। कलमा तौहीद पढ़ने के बाद अब्दुल शम्स ने अपने लिए अब्दुल्ला का नाम पसंद किया। सलमा नारियल के एक दरख्त का सहारा लिए खड़ी ये तमाम वाकया देख रही थी। वो झिझकती हुई आगे बढ़ी और अपने बाप से कहने लगी, अब्बा जान
क्या औरतें भी मुसलमान हो सकती हैं? अब्दुल्ला ने मुस्कुराते हुए अबुल हसन की तरफ देखा और वो बोला, खुदा की रहमत औरतों और मर्दों के लिए यकसा है। सलमा ने कहा, तो मेरा नाम भी तब्दील कर दीजिए, मैं भी मुसलमान होना चाहती हूँ। अबुल हसन ने कहा, तुम्हारा यही नाम ठीक है, तुम फकत कलमा पढ़ लो। सलमा ने कलमा पढ़ा और सब ने हाथ उठाकर उसके लिए दुआ की। आसमान पर बादल छा रहे थे, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और ये लोग एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बारिश थम गई और दिलीप सिंह ने आकर खबर दी कि महाराज आपका इंतजार कर रहे हैं। अबुल हसन अपने साथी को वहीं छोड़कर दिलीप सिंह के साथ हो लिया। दोपहर के वक्त अबुल हसन वापस आया और उसने अपने साथी को बताया कि राजा और बाद सरदारों ने और भी अरबी घोड़े खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, इसलिए हमारा जहाज चौथे रोज रवाना हो जाएगा। अब्दुल्ला ने उन्हें कुछ दिन और ठहरने के लिए कहा, लेकिन अबुल हसन ने जल्द वापस आने का वादा करके इजाजत हासिल कर ली। अब्दुल्ला ने कहा, अभी हमें इस्लाम के मुतालिक बहुत कुछ जानना है, अगर आप तलाक को यहाँ छोड़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा। अबुल हसन ने तलाक की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अगर ये पसंद करें तो मैंने खुशी से यहाँ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तला ने यह दावत खुशी से कबूल कर ली। अगले दिन अबुल हसन के साथी जहाज के बादबानों की मुरम्मत और खोर्दोनोश का जरूरी सामान खरीदने के लिए रवाना हो चुके थे। दिलीप सिंह और अब्दुल्ला से मशवरा करने के बाद अबुल हसन ने अपने तमाम सरमाए से 8 हाथी और बाकी जहाज नारियल से भर लिया। शाम के वक्त अबुल हसन अब्दुल्ला के बागीचे में चहलकदमी कर रहा था कि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मुड़कर देखा तो सलमा खड़ी थी। वो चेहरा जो दो दिन पहले मुसरतों का गवारा था, अब हिस्नो मलाल की तस्वीर बना हुआ था। वो आंखें जो अंधेरी रात की सितारों से ज्यादा दिलफरेब और चमकीली थीं, अब पूर्णम थीं। उसने कदरी बेतनाई से पूछा, सलमा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अबुल हसन का रोखापन देकर जब्त के बावजूद उसके आंसू छुलक पड़े। कांपते हुए होंठों से दर्द की गहराइयों में डूबी हुई आवाज निकली, आप परसों जा रहे हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आंसू में भीगी हुई मुस्कुराहट अबुल हसन के दिल पर असर किए बगैर ना रही। उसने कहा, सलमा तुम अभी तक वही हो, इस्लाम कबूल करने के बावजूद मैं तुम्हें कोई तब्दीली नहीं देखता। तुम्हें अब ना महरमों के सामने आने से इतनाब करना चाहिए, अब मुसलमान लड़की का सबसे बड़ा जेवर हया है। आप अब तक मुझसे खफा हैं, आपके कहने पर मैं लिबास तब्दील कर चुकी हूँ, नमाज पढ़ चुकी हूँ, परसों से मैंने घर के बाहर पाँव नहीं रखा, क्या ये भी जरूरी है कि मैं एक मुसलमान के सामने भी ना हूं? हाँ ये भी जरूरी है, मैं तला को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, वो तुम्हें एक मुसलमान औरत के फ्राइज से आगाह करेगा, तुम्हें इस्लाम की सही तालीम देगा। सलमा ने जवाब दिया, मुझे किसी और तालीम की जरूरत नहीं, आप जो हुक्म देंगे मैं मानूंगी। आपके इशारे पर मैं पहाड़ पर से कूदने और हाथ पांव बांधकर समंदर में कूदने के लिए भी तैयार हूं। अबुल हसन ने कहा, सलमा अगर तुम्हें मेरी खुशी इस कदर अजीज है तो सुनो, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि तुम सर से पांव तक इस्लाम के सांचे में ढल जाओ। सच्चे मुसलमान की हर नीयत और हर फेल को किसी इंसान की खुशी नहीं बल्कि खुदा की खुशी का तलबगार होना चाहिए। कलमा पढ़ने के बाद तुम एक ऐसी दुनिया में पांव रख चुकी हो जो एक लामतनाय जदोजहद का घर है। इस मैदान में कूदने वाले के दिल में आंसुओं और आहों के लिए कोई जगह नहीं। मुसलमान के लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, उसके पहलू में वो दिल होना चाहिए जो खुदा की राह में जिंदगी की बुलंद तरीन ख्वाहिशात को कभी कुर्बान करने से घबराए ना। उसका सीना तीरों से छलनी हो लेकिन जबान से आह तक ना निकले। तुम अरब जाओ तो शायद ये देखकर हैरान होगी कि मुसलमान औरतें अपने शोहरों, भाइयों और बेटों को जहाद पर रुख्सत करती हैं, लेकिन उनकी आंखों में आंसू तो दूर की बात, पेशानी पर शकन तक नहीं आती। ये सिर्फ इसलिए है कि वो खुदा की खुशी को दुनिया की हर खुशी पर तरजीह देती हैं। अगर तुमने मुझे खुश करने के लिए इस्लाम कबूल किया है तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि तुम इस्लाम को नहीं समझ सकी। अगर खुदा को खुश करना चाहती हो तो घर जाओ, मैं तलाक को भेजता हूँ, वो आज ही तुम्हें कुरान पढ़ाना शुरू कर देगा। मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तो तुम मेरी पैराकी का इम्तहान लेने के लिए सर से एक मील के फासले पर समंदर में मेरा इस्तकबाल ना करो और मुझे जंगलों और पहाड़ों में तुम्हें तलाश ना करना पड़े। मुझे देखकर खुशी होगी कि अब्दुल शम्स का नाम तब्दील होने के बाद उसके घर का नक्शा भी तब्दील हो चुका है और इस चार दीवारी में एक मुसलमान लड़की प्रवेश पा रही है। सलमा ने पुरमीद होकर पूछा, आप कब आएंगे?
मैं दिन मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन इरादा यही है कि घोड़े खरीदते ही वहां से रवाना हो जाऊं। लेकिन अगर मुझे जहाज के लिए कहीं जाना पड़ा तो मुमकिन है कि दोबारा ना आ सकूं। सलमा के चेहरे पर फिर एक बार उदासी छा गई और उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, नहीं यूं ना कहिए, खुदा आपको जरूर वापस लाए। तुम दुआ करती रहोगी तो इंशाल्लाह मैं जरूर आऊंगा। सलमा ने कहा, दुआ? आप क्या कहते हैं? अगर मेरी दुआ कबूल हो सकती तो आप जाने का इरादा क्यों करते हैं? अब्बुल हसन ने अचानक महसूस किया कि वह बहुत ज्यादा बातें कर चुका है। उसने जरा लहजे को तुच्छ बनाते हुए कहा, सलमा जाओ, अगर अरब की तमाम औरतें तुम्हारे जैसे नेक दुआएं करती तो इस्लाम की रोशनी अरब के दूध से बाहर ना निकलती। सलमा नादम से होकर वापस हुई। बार बार उसके मुंह से ये अल्फाज निकल रहे थे, मैं बहुत बेवकूफ हूं, मैंने ये क्यों कहा। थोड़ी देर के बाद वह कोठे पर चढ़ी। उफ़ के मगरब पर गर्म लोहे के सुरख थार की तरह चमकता हुआ सूरज पानी में गोते लगाने की तैयारी कर रहा था। आसमान पर कहीं कहीं हल्के हल्के बादल शफक की सुर्खी की अकासी कर रहे थे। मरतूब हवा के झोंके नारियल के पत्तों पर एक दिलकश राग छेड़ रहे थे। इर्द गिर्द के तमाम मनाजर से हटकर सलमा की निगाहें समंदर के किनारे अरबों के जहाज पर मरकूज होकर रह गईं। दिल में ही जान बपा हुआ उसने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ खुशकी और तरी के मालिक, मुझे एक मुसलमान औरत का ईमान दे, मुझे सीधी राह दिखा और जो वो वापस आए तो मुझे देखकर खफान ना हो। तीसरे दिन आसमान पर बादल छा रहे थे। सलमा कोठे पर चढ़कर हसरत भरी निगाहों से समंदर की तरफ देख रही थी। सहल से दूर अबुल हसन का जहाज मोड़े पर रक्स करता हुआ नजर आ रहा था। हवा के चांद तेज झोंके आए और बारिश होने लगी। बारिश की तेजी के साथ उसकी निगाहों का दायरा महदूद होता गया, यहां तक कि जहाज आंखों से ओझल हो गया। जब्त की कोशिश के बावजूद उसकी आंखों से आंसू छिड़क पड़े और रुखसारों पर बहते हुए बारिश के कतरों के साथ मिल गए। सलमा देर तक हाथ उठाई दुआ दुहराती रही, मेरे मौला उस समंदर की सरकश लहरों से महफूज रखियो। बगीचे से अबुल हसन से आखिरी मुलाकात के बाद सलमा के ख्यालात और आदात में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। उसे अबुल हसन की बेतनाई का बेहद मलाल था। ताहम उस इंसानियत का बुलंद तरीन मायार तस्वर करते हुए वो इस बात पर ईमान ला चुकी थी कि उसकी जो अदा अबुल हसन को नापसंद है वो यकीनन बुरी होगी। चुनाचे उसने दोबारा किसी के सामने बेइजाब होने की जरूरत ना की।